दाल की कीमतों पर सख्त हुई सरकार। खाद्य मंत्री पासवान का बयान, जरूरत पड़ी तो बंद करेंगे चना वायदा कारोबार। प्रकाश जावड़ेकर बोले, राज्यों को दिए जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। सूखे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने बढ़ाई निगरानी। पीएम मोदी ने मंत्रियों से की बात, सभी मंत्रालयों को सूखा प्रभावित राज्यों को मदद देने का निर्देश। चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, राज्यों को चीनी की स्टॉक लिमिट लगाने का आदेश। चीनी की कीमतों में सितंबर से अब तक 40% तक का इजाफा। माल्या के विदेश भागने पर वित्त मंत्री ने बैंकों पर फोड़ा ठीकरा, कहा डिफॉल्टर्स को भागने से रोकना बैंकों की जिम्मेदारी। गोल्ड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार दे सकती है तोहफे, ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को मुहैया करा सकती है ड्यूटी फ्री छोटे गोल्ड। कल इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हुई चर्चा, घटाया जा सकता है पेपर वर्क भी। अंधों में काना राजा वाले बयान पर आरबीआई गवर्नर की सफाई, का गलत तरीके से पेश किया गया बयान, अंधा शब्द के इस्तेमाल पर जताया अफसोस। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजार की सुस्त शुरुआत, निफ्टी 7900 के ऊपर बंद, सेंसेक्स 28 अंक चढ़ा। एनसीडीएक्स से बाहर होगा एनएसई, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। एनसीडीएक्स में पूरी 15% हिस्सेदारी बेचेगी एनएसई, विदेशी एक्सचेंजों और बैंकों से बातचीत जारी। उम्मीद के मुताबिक विप्रो के नतीजे, चौथी तिमाही में मुनाफा बढ़कर 2240 करोड़, कुल आय बढ़ी 13740 करोड़ रुपए हुई। एचडीएफसी लाइफ का आईपीओ जल्द, बोर्ड से मिली मंजूरी, आईपीओ के जरिए 10% हिस्सा बेचेगी एचडीएफसी, बाजार की हालत देखते हुए तय होगा आईपीओ का वक्त। क्यूनेट कंपनी पर जी बिजनेस के खुलासे का बड़ा असर, मुंबई पुलिस ने जी बिजनेस के शो की मांगी सीडी, रातों रात करोड़पति बनाने की ठगी का कल जी बिजनेस ने किया था खुलासा। दिल्ली में ऑड इवन नियम से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को बड़ा फायदा, सोमवार को सीएनजी बिक्री के टूटे तमाम रिकॉर्ड, 24 लाख किलो प्रतिदिन के मुकाबले बेची 26 लाख किलो से ज्यादा गैस। सर्ज प्राइसिंग को लेकर ओला उबर की 50 कैब जब्त, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने जब्त की कैब, 30 अप्रैल के बाद भी लागू रहेगी सर्ज प्राइसिंग पर रोक। दिल्ली के लुटियन जोन से बाहर हो सकते हैं कई बड़े उद्योगपतियों के बंगले, नक्शे में बदलाव की तैयारी कर रहा है शहरी विकास मंत्रालय, चाणक्यपुरी, अशोक रोड, बंगाली मार्केट, गोल्फ लिंक्स जैसे इलाके हो सकते हैं बाहर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर केंद्र के दावे को हाईकोर्ट ने किया खारिज, सरकार ने कहा राष्ट्रपति के आदेश पर कोर्ट को दखल का अधिकार नहीं, अदालत ने कहा राष्ट्रपति का आदेश राजाज्ञा नहीं, राष्ट्रपति भी हो सकते हैं गलत। मदान तुसाद के म्यूजियम में पीएम मोदी का मोम का पुतला, 4 महीने में ही तैयार, मोदी ने खुद देखा करीब से, बनाने वालों को बताया ब्रह्मा जैसा। सामने आया दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी के धमाके का वीडियो, गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों ने गंवाई थी जान, 20 हुए थे घायल, 10 अब भी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। देहरादून में लाठीचार्ज के दौरान घायल शक्तिमान की हुई मौत, पिछले दिनों काटना पड़ा था एक पैर, केयर टेकर ने उठाए इलाज के तरीकों पर सवाल। अमेरिका में एक बार फिर एक सिख का अपमान, 18 साल के करणवीर की कैलिफोर्निया एयरपोर्ट पर जबरन उतरवाई गई पगड़ी, तलाशी न देने पर फ्लाइट में न चढ़ने देने की दी थी चेतावनी। और इस बार चंडीगढ़ में मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा डे, पीएम मोदी भी होंगे शामिल, 21 जून के लिए शुरू हुई तैयारियां।